हाँ हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा वेक्टर एनालिसिस का लेक्चर नंबर 2 है। इसमें कल हम लोगों ने जो इनिशियल डिस्कस किया था वेक्टर का, उसकी डेफिनेशन, यूनिट वेक्टर, ठीक, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, स्केलर और वेक्टर की डेफिनेशन वगैरह है, तो उसके आगे हम डिस्कशन करेंगे। आपको हमने वेक्टर का रिजोल्यूशन भी बता दिया, कंपोनेंट करना। नेक्स्ट आप यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, उनको आप चेक करें और नोट भी करें कॉपी में। देखिए, फर्स्ट में हमने ये वाई वर्सेस एक्स में एक ये पॉइंट लिया है। इसका मतलब है कि एक्स वाई प्लेन है, ओके, एक्स वाई प्लेन। इसमें ए पॉइंट लिया है, वो ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट 2,3 है, ओके। इसका नेचुरल है कि इसका जो एक्स एक्सिस होगा उसका वैल्यू 2 होगी और वाई की वैल्यू 2-3 होगी। तो एक्स में आपको मालूम है कि हम यूनिट वेक्टर आई लगाते हैं, जब हम वेक्टर में रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो 2i हो गया प्लस 3j हो गया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसलिए दोनों ये पॉजिटिव होंगे, ठीक। लेकिन अगर कहीं पर आपको ओ ए की जगह ए ओ लिखना हो, यानी ओ टू ए है, अब ए टू ओ है, तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। उसका एक रीज़न और है कि जब आप यहाँ पर ए टू ओ करेंगे तो ये हमारे जो वेक्टर होते हैं ये हमारे स्लाइडिंग वेक्टर होते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आपने ये डायरेक्शन ओ ए की बजाय ए टू ओ किया, तो एक पॉइंट इनिशियल पॉइंट है, उसको ओरिजिन पर ले आए, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। आप समझ रहे होंगे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इधर माइनस एक्स होगा, इधर माइनस वाई होगा, इसलिए ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है। यानी ओ ए मतलब ओ इनिशियल पॉइंट है, ए फाइनल पॉइंट है, ए ओ मतलब ए इनिशियल है, ओ फाइनल है। तो ए पॉइंट ये है, ओ ये है, तो इसको स्लाइड करिए और ए पॉइंट को ओरिजिन पर ले आइए, तो ये आपका ए यहाँ पर आ गया और ओ यहाँ पर चला गया, ठीक। कुल मिला के डायरेक्शन रिवर्स हो गया, इसलिए यहाँ पर जो है वो निगेटिव लग जाएगा। आप समझ गए होंगे ये पॉइंट को, ठीक। नेक्स्ट में आप ध्यान दें, ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यानी यूसीएम। हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को यूसीएम बोल देते हैं शॉर्ट में। इस सर्कुलर मोशन में इसकी रेडियस 2 है, यहाँ लिखा हुआ है 2 मीटर, और एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है ये 45 है। ये किसी पॉइंट ए पर है इस समय, और इसकी जो स्पीड है वो 50 मीटर पर सेकेंड है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको इतना तो मालूम होगा कि स्पीड कांस्टेंट होगी, लेकिन डायरेक्शन हर समय चेंज हो रहा है, इसकी वजह से वेलोसिटी चेंज होगी। हमें यहाँ पर वेक्टर जो पार्टिकल है, यहाँ लिखा हमने ए पार्टिकल इज मूविंग इन यूसीएम, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एट पॉइंट ए पर राइट इट्स पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन वेक्टर। यानी ये सर्कुलर मोशन के जिस समय ये पॉइंट ए पर है, यहाँ पर इसका पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर और एक्सीलरेशन की बात बाद में बताते हैं। पहले पोजीशन वेक्टर देखें। पोजीशन वेक्टर आप लिख लेंगे, इसकी डिस्टेंस 2 है और एंगल 45 है। कंपोनेंट करें, 2 cos 45 एक्स कंपोनेंट हुआ, उसमें आई लगा दें, फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए पॉजिटिव होगा। फिर 2 sin 45, इसमें जे लगाएं क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट है और ये पॉजिटिव भी है, तो cos 45 1/√2 होता, कैंसिल होकर √2i + √2j बन गया। आप समझ गए होंगे वेलोसिटी, यहाँ पर ये पोजीशन वेक्टर बना, ठीक। अब वेलोसिटी पर ध्यान दें, वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल होता है, ये स्पीड 50 है, तो ये हमने एरो बनाया। देखिए वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, स्लाइड कर लिए इसको, यहाँ पर शिफ्ट कर लिया, ठीक। अब एंगल चेक करो, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, और दोनों ही हो गए 45 क्योंकि ये 90 है। हमने बहुत बता चुके हैं आपको कि ये दो वेक्टर, कोई भी दो लाइन है, इनके बीच में जो एंगल होगा, अगर कोई दो लाइन परपेंडिकुलर ड्रा कर दें इन पर और वो कट कर रही हैं, तो उनके बीच भी एंगल सेम रहेगा, ठीक। इस पॉइंट को ध्यान रखें, देखिए ध्यान से, ये लाइन हमारी हॉरिजेंटल है, ये वर्टिकल है, ये दोनों 90 पर हैं, और ये दोनों लाइन 90 पर हैं, ये, इसलिए जो एंगल 45 यहाँ होगा, ये 30 होगा तो ये 30 होगा, ये 60 होगा तो ये 60 होगा, और नहीं तो 90 माइनस थीटा से भी निकाल सकते हैं आप करके। तो ये 45 45 हो गए। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेक कर लो, यहाँ वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, ये है ऐसे। अब ये हमारा इधर x नेगेटिव होगा,
और वाई पॉजिटिव होगा, ठीक, क्योंकि आप एक्स वाई ये लगाते हैं, ये एक्स है, ये वाई है, ये इस डायरेक्शन में है, इसलिए एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा। आप कंपोनेंट कर लें, 50 इसका मैग्नीट्यूड है, हमने यहाँ लिखा है मीटर पर सेकंड, तो 50 cos 45 ये लिखा है, 50 cos 45 उसमें लगा दें माइनस आई, फिर यहाँ पर है 50 sin 45 उसमें लगा दें आप जे, ठीक, क्योंकि वाई पॉजिटिव है और एक्स नेगेटिव है, cos 45 √2 होगा, कैंसिल होके ये आ जाएगा आपकी वैल्यू, 50 कट के 25 √2, ठीक, ये आप वेलोसिटी को समझ गए होंगे, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान देना कि ये जरूरी नहीं है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई पार्टिकल है तो उसका पोजीशन वेक्टर तो होगा ये एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, लेकिन अदर वेक्टर में डायरेक्शन हमें देखना पड़ेगा। जैसे वेलोसिटी इधर था तो कंपोनेंट कर लिया, ये ऐसे समझ लो कि वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, ये स्लाइड करके यहाँ आ गया, ऐसे इसमें आ गया, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। वेक्टर हमारा स्लाइडिंग होते हैं, ये हम जैसे ये सर्कुलर मोशन था, इसमें अगर इस पॉइंट पर वेलोसिटी इधर है तो इसको वेलोसिटी को वेक्टर को स्लाइड करके यहाँ ओरिजिन पे ले आई है, ये इनिशियल पॉइंट ये है, इसको यहाँ शिफ्ट करो तो ये आ गया, इसमें एक्स नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा, इसीलिए यहाँ पर एक्स नेगेटिव आया वाई पॉजिटिव आया, समझ गए होंगे वेलोसिटी को आप। इसी तरह से जो लोग 11 से भी आए हैं वो लोग, उन लोगों को एक्सीलरेशन अभी नहीं मालूम होगा सर्कुलर मोशन में, आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि आगे फार्मूला आएगा कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है तो उसमें हमेशा पार्टिकल सेंटर की तरफ एक्सीलरेट होता है, सेंटर की तरफ, इसीलिए उसको सेंटीपेटल एक्सीलरेशन बोलते हैं। उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, लेकिन उसकी फार्मूला ये होता है a = b² / r, ठीक। तो ये हम अभी देखिए, इस पॉइंट पर है तो एक्सीलरेशन इस तरफ होगा, इस तरफ। अब जरा एरो को चेक करें, इसको स्लाइडिंग को यहाँ ले आए, ठीक, तो देखिए एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ये है, इधर को इधर होगा टूवर्ड्स सेंटर, समझ गए होंगे ना। तो एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन है वो इधर को हुआ। अब इसके कंपोनेंट देखें, एक कंपोनेंट ये होगा और एक ये होगा, इधर एक्स नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव होगा। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इस फार्मूले से दिया जाता है v² / r, ये अभी लर्न कर लेना, फिर आगे आप जब चैप्टर करेंगे ना तो लर्न हो जाएगा, और भी हैं फार्मूले। तो v की वैल्यू पुटअप कर दो स्पीड की, ये v स्पीड है, r रेडियस है, 50 है, ये आ गया 1250। अब इसके कंपोनेंट कर लो, एंगल हमने इजी लिया 45, तो 1250 cos 45 x कंपोनेंट होगा, ये y कंपोनेंट ये 625 √2 हो जाएगा, इसी तरह से y कंपोनेंट भी वही आएगा, उसमें sin 45 लगेगा, तो वो कंपोनेंट भी आपका सेम होगा। अब x कंपोनेंट में i लगाकर उसमें नेगेटिव लगा दिया, क्योंकि ये क्वाड्रेंट आपका एक्सीलरेशन का जो क्वाड्रेंट आ रहा है ये थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है। आप चेक करें, ये सर्कुलर मोशन था, ये एक्सीलरेशन है, इसको अभी ए ओ वैक्टर किया था वही चीज़ है, इसको स्लाइड करें ये यहाँ आ गया, ये इनिशियल पॉइंट है ना, इसको इधर ले आए यहाँ पर, ठीक, ओरिजिन पर, तो ये बन गया। और इससे भी चेक कर सकते हैं आप, आपको एक्स वाई पता है तो इससे भी चेक कर सकते हैं, ठीक। तो ये बन गया आपका एक्सीलरेशन का वेक्टर फॉर्म में, ठीक। वेक्टर फॉर्म में लिखने का मीनिंग है कि आई और जे के यूनिट वेक्टर में उसको रिप्रेजेंट किया जाए। इसी तरह से हमने ये एग्जांपल लिया, मान लीजिए ये कोई सर्कुलर मोशन में है पार्टिकल और ये क्लॉकवाइज जा रहा है और इस पॉइंट पर आपको कैलकुलेट करना है, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ पोजीशन वेक्टर यहाँ का, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, पोजीशन में एक्स नेगेटिव होगा वाई नेगेटिव होगा, ठीक। अब वेलोसिटी, वेलोसिटी का एरो देखिए, ये ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज, तो एरो टेंजेंट डालो, ये है, ठीक, ये वेलोसिटी का, इसमें एक कंपोनेंट ये होगा एक ये होगा, ये एक्स वाला नेगेटिव होगा वाई वाला पॉजिटिव जाएगा। बाकी एंगल चेक कर लें, आपको अच्छी तरह से बता दिया हमने कि जिससे एंगल बनाता हो उसमें कॉस 45 लगाएं, दूसरे में साइन, यहाँ पर समझ गए होंगे। एक्सीलरेशन चेक करें, एक्सीलरेशन इधर होगा ये, तो इसमें एक्स जो है पॉजिटिव होगा वाई पॉजिटिव होगा। तो पोजीशन वेक्टर में जब हम आई जे के लगाते हैं वहाँ पर आप जब यूज करते हैं नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन तो क्वाड्रेंट देखेंगे, लेकिन वेलोसिटी में आप शिफ्ट करके देख, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तब भी वेलोसिटी वेक्टर में नेगेटिव एक्स हो सकता है, वो एरो देखा जाएगा। इसी तरह से जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है पोजीशन वेक्टर के अलावा जो है,
इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हो, मोमेंटम हो, कोई भी क्वांटिटी हो, उसको आप किसी भी क्वाड्रेंट में हो, लेकिन कंपोनेंट से चेक कर लें कि एक्स और वाई नेगेटिव तो नहीं है। इसमें हमने आपको जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो आपको मालूम है डाउनवर्ड होता है, इसका इंक्लाइंड प्लेन पर कंपोनेंट किया है। तो ये इंक्लाइंड प्लेन है, ऐसे है ये इंक्लाइंड प्लेन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा आपको मालूम है डाउनवर्ड होता है। इसके दो कंपोनेंट, एक ये होगा एक ये कंपोनेंट इंक्लाइंड प्लेन पर। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक। ऐसे भी देख सकते हैं थीटा 90 माइनस थीटा और ये थीटा हो गया, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 है, ठीक। और दूसरा मेथड हमने बताया था अभी कि ये और ये दोनों 90 पर हैं, ठीक, ये प्लेन और ये 90 पर हैं, तो इनके बीच में जो एंगल होगा वही इनकी 90 की लाइन पर होगा। तो ये कंपोनेंट क्या होगा, जी कॉस थीटा, ये क्या होगा, जी साइन थीटा, ये बना दिया जी कॉस थीटा जी साइन थीटा। कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी आपको आगे न्यूमेरिकल लगाने में, तो ध्यान रखें कि थीटा जहाँ पर दिया हो उसमें कॉस लगा दें, दूसरे में साइन। जैसे ये है, ये इंक्लाइंड प्लेन है और ये हमने 30 डिग्री एंगल लिया है और वेलोसिटी दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो ये वेलोसिटी का एरो देखिए इधर है। अब किसी भी क्वेश्चन में एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो अटैच किए जाते हैं वो रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करते हैं, आप किस क्वेश्चन में किस तरह भी अटैच कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक्स यहाँ लगाया और वाई यहाँ लगाया, ठीक, तो एक्स डायरेक्शन ये होगा, वाई डायरेक्शन ये होगा, जो यूजुअली हम लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड ये है। इसके कंपोनेंट करें, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा, ओके, क्योंकि ये लाइन है, ये लाइन पैरेलल है और ये दोनों इक्वल हैं। तो अब इसके कंपोनेंट करो, इधर क्या लिखेंगे, 2 cos 30, क्योंकि 30 डिग्री किसके साथ बना रहा, एक्स एक्सिस के साथ, ये माइनस एक्स है, इधर एक्स होगा, ठीक, यहाँ से ये 30 डिग्री, तो वी कॉस 30 और माइनस आई लगाया क्योंकि डायरेक्शन माइनस एक्स को है, फिर वी साइन 30 ये भी डाउनवर्ड है तो माइनस जे लगाया, ठीक, अपवर्ड डायरेक्शन प्लस जे होगा, डाउनवर्ड माइनस जे होगा। अब इसको सॉल्व कर लें, आप कॉस 30 साइन 30 की वैल्यू डालें, ये आ गया आपका वेलोसिटी वेक्टर, ठीक। अगर मान लीजिए यही वेलोसिटी में अगर हम एक्स डायरेक्शन ये ले लें, देखिए अब हमने इंक्लाइंड प्लेन के डायरेक्शन में एक्स ले लिया, यानी ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इसी डायरेक्शन में एक्स ले लिया और वाई ले लिया परपेंडिकुलर और जी है इस तरफ, तो फिर ये एक्स में आई लगेगा केवल, फिर वाई कंपोनेंट इसका जीरो होगा। ध्यान रहे जब कोई भी वेक्टर क्वांटिटी एक्स डायरेक्शन में है तो उसका वाई और जेड कंपोनेंट जीरो होंगे, क्योंकि वो वहाँ से 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, ठीक, और कॉस 90 जीरो होता है। अगर आप कंपोनेंट इसका इधर करेंगे तो कॉस 90 लगाएंगे और कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, ठीक। तो यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में है ग्रेविटी, सॉरी वेलोसिटी, तो सीधे यहाँ पर 2y लिख दें, हमने इसी को एक्स ले लिया, ये डायरेक्शन एक्स ले लिया, ये वाई तो इधर पॉजिटिव होगा और इस तरफ जीरो वैल्यू होगी, तो सीधे वी इज इक्वल टू 2y। तो कंपोनेंट निकालना जो है वो ठीक से ध्यान रखें कि कैसे निकाले जाते हैं। इसी तरह से एक क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हमने एक वेक्टर लिया है i प्लस रूट 3j, इसको हम हटा रहे हैं यहाँ से, ये वेलोसिटी भी हो गया, आप वेक्टर का वो समझ गए हैं। ये हमने एक वेक्टर लिया है r, ये है r वेक्टर है i प्लस रूट 3j। अब इसको क्या किया, क्वेश्चन है कि वेक्टर r को रोटेट करा दिया 60 डिग्री से इन एंटी क्लॉक वाइज। अब रोटेशन के क्वेश्चन जितने भी हों आप इसी मेथड से करना, क्लॉक रोटेट कराएं, एंटी क्लॉक रोटेट कराएं, तो उसका न्यू वैल्यू जो आएगी उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक। तो ज़रूरत कभी कभी मैग्नीट्यूड इसका पड़ सकती है, इसका मैग्नीट्यूड निकालने, इसका मैग्नीट्यूड 1 है यहाँ पर आई के साथ, ये रूट 3 है, तो रूट 3 का स्क्वायर 3 हुआ, 1 का 1 हुआ, 4, 4 का रूट 2। अब इस ये दोनों पॉजिटिव हैं इसलिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, ठीक, हम यहाँ बना रहे हैं, ये दोनों पॉजिटिव हैं आई और जे, इसलिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, ओके। यहाँ बना रखा हमने, टेन थीटा निकाल लें, टेन थीटा मतलब ये थीटा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वैल्यू रूट 3 है, ये 1 है, तो टेन थीटा हो गया रूट 3/1 यानी रूट 3, और ये थीटा 60 डिग्री होगा, तो ये एंगल आपका निकल आया 60 डिग्री, ओके। अब यहाँ पर बनाया है, ये 60 डिग्री है, इसका मैग्नीट्यूड 2 है, अब इसको एंटी क्लॉक रोटेट करा दिया, देखिए ये ऐसे रोटेट करा दिया 60 डिग्री पर, ठीक, तो यहाँ पर ये पहुँच गया। देखिए यहाँ ये 60 है, ये 30 होगा और ये भी 30 होगा क्योंकि 60 रोटेट कराया है, तो इधर से एंगल भी 60 होगा, क्योंकि यहाँ पर 60 होने की वजह से अगर आप x कंपोनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 cos 60, y कंपोनेंट कितना होगा, 2 sin 60,
तो 2 cos 60 जो वैल्यू आपकी आ रही है ये निगेटिव होगी और ये वाली पॉजिटिव होगी। कुल मिला के यहाँ पर वैल्यू सेम थी तो हमने डायरेक्ट लिख दिया क्यों, एक्स निगेटिव हो जाएगा और वाई पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कहीं और कुछ और एंगल दिए हों तो उसमें आप अपना कंपोनेंट कर लें, यानी क्या करेंगे, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें फिर उसको रोटेट करा दें, रोटेट कराने के बाद उसी मैग्नीट्यूड से कंपोनेंट कर लें। जैसे ये 2 है तो ये भी 2 होगा क्योंकि रोटेट कराया, लेंथ तो सेम रहेगी, तो इसका एक्स कंपोनेंट 2 cos 60 और वाई कंपोनेंट 2 sin 60, फिर आई और जे लगा दें, यूनिट वेक्टर उसमें अटैच कर दें, ठीक है ना। क्लॉकवाइज रोटेट हो सकता है, एंटी क्लॉक रोटेट हो सकता है, जैसे मान लो ये कोई वेक्टर है, ये जे है डायरेक्शन और ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। इसको मान लीजिए आपने, इसका तो मैग्नीट्यूड 1 होगा, जितने भी यूनिट वेक्टर उनका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो मान लीजिए इसको आपने 30 डिग्री रोटेट करा दिया, अब ये 30 बन गया, अब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, सॉरी इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो ये भी 1 होगा, अब एंटी क्लॉक कराया रोटेट ऐसे, ठीक। तो कितना कंपोनेंट होगा, ये 30 या 60, अगर आप 30 यूज कर रहे हैं तो इसमें कॉस लगाएं, वाई कंपोनेंट क्या होगा 1 cos 30 और एक्स कंपोनेंट क्या होगा 1 sin 30। जरा हम इसको आपको रोटेशन का एक क्वेश्चन और बता रहे, आप ये समझ गए होंगे क्वेश्चन। जैसे मान लो ये वेक्टर है जे, जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो यूनिट वेक्टर है 1 हो गया मैग्नीट्यूड, ये एक्स एक्सिस वाई एक्स। मान लिए क्वेश्चन में दिया है कि एंटी क्लॉक 30 डिग्री रोटेट करा दिया, तो ये 30 होगा ये 60 होगा, इसका मैग्नीट्यूड ओ ए ले ले रहे, ओ से ए तक की जो लेंथ होगी टोटल वो 1 होगी, ठीक। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखें, मान लीजिए आर है ये या ओ ए लिख लो, एक ही बात है, ओ ए मैग्नीट्यूड 1। अब ध्यान दें, अगर हम 60 डिग्री यूज करते हैं तो 1 cos 60 लगेगा एक्स में और 1 sin 60 लगेगा वाई में, अगर हम 30 यूज करते हैं वैल्यू एक ही आएंगे, 30 डिग्री अगर आपको यूज करना है तो 1 cos 30 लगेगा जे में, 1 sin 30 लगेगा आई में यानी एक्स एक्सिस में, तो हम 60 डिग्री यूज कर रहे हैं 1 cos 60 और इस तरफ निगेटिव होगा इसलिए माइनस आई, ऊपर जे पॉजिटिव होगा 1 sin 60 इसका जे पॉजिटिव होगा, cos 60 1/2 होता है, इसको हम -i/2 लिख ले रहे हैं और sin 60 √3/2 जे होता है, ये हो गया आपका नया वेक्टर। क्या किया, एक वेक्टर था वाई डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड 1 है यानी जे है यूनिट वेक्टर, उसको रोटेट करा दिया 30 डिग्री। अब नया जो वेक्टर बना उसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, ओके। तो यहाँ पर हमने ये 30 डिग्री रोटेट कराया है एंटी क्लॉक वाइज, हमने 90 से माइनस करके इसको 60 लिख लिया और इसकी मैग्नीट्यूड 1 है, तो 1 cos 60 इधर को माइनस आई ऊपर प्लस जे और फिर 1 sin 60। और ध्यान दें, अगर आप 30 यूज करते हैं तो वाई कंपोनेंट में क्या लिखेंगे, 1 cos 30 जे, cos 30 कितना होता है √3/2, वही sin 60 होता है, बात एक ही आएगी। यहाँ क्या लगाएंगे, अगर 30 यूज करते हैं तो इधर साइन लगाएंगे, ठीक है ना, ये सिंपली साइन कास है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो रोटेशन के क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, अगर किसी को समझ में नहीं आता है कोई क्वेश्चन तो वो कमेंट में देना, हम उसको जो है वो दोबारा क्वेश्चन कराएंगे उसका। फिर देखिए, तो रोटेशन के बाद हमने कंपोनेंट का एक क्वेश्चन फिर लिया, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और ये डाउनवर्ड होगा और ये 60 डिग्री एंगल है, अब हमने इसको एक्स लिया ये वाई लिया, ठीक। और दूसरे केस में हमने एक्स इसको ले लिया है, तो पहले केस में क्या किया कि एक्स जो आपने अटैच किया है यहाँ पर, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, देखिए जी डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड, और हमने ये एक्स लिया ये वाई, तो अपवर्ड प्लस वाई होगा, डाउनवर्ड माइनस वाई होगा, इसलिए वेक्टर एक्सीलरेशन को सीधे -gj लिख दिया, ठीक। एक्सीलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, उसको ए से इक्वल टू जी लिखा है, अब की बार एक्स को चेंज कर दिया, एक्स ये लिया वाई लिया, तो फिर जी के कंपोनेंट करिए एक्स और वाई में, तो जी ये लग रहा है 60 डिग्री ये है, तो ये भी 60 होगा, ये वाला ये 60, तो ये कंपोनेंट कितना हुआ जी कॉस 60, ये कंपोनेंट कितना हुआ जी साइन 60, ओके। वैल्यू पुट अप कर दे, वाई ऊपर पॉजिटिव होगा, डाउनवर्ड है तो नेगेटिव हो जाएगा वाई, इसलिए माइनस कर दिया, और एक्स इधर ही है तो इधर पॉजिटिव रहेगा जी साइन 60, तो जी साइन 60 में आई लगाया और जी कॉस 60 में जे लगाया, बाद में इसकी आप वैल्यू पुट अप कर दें तो ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे वेक्टर का जो है इस तरह से
कंपोनेंट करना। अब हम आते हैं थोड़ा 3D में। देखिए 2D के अंदर जब हम x और y यहाँ लगाते हैं, और मान लीजिए हमने यहाँ पर x कॉमा y लिखा, तो आपको मालूम है ये x है, ये y है, ये थीटा लेते हैं, टेन थीटा y अपन x होता है। लेकिन 3D में क्या है, तीनों कंपोनेंट होंगे, x कंपोनेंट भी होगा, y कंपोनेंट भी होगा और j कंपोनेंट भी हो। मान लीजिए ये ब्लॉक हम ले रहे हैं, इसमें आप इसको देखें, इसमें ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z है, ठीक। अब कोई कोऑर्डिनेट, कोई भी हमने वेक्टर मान लीजिए ऐसे ले लिया इस तरह से, तो इसका जो एंगल बनेगा, पहली बात तो ये कि यहाँ पर ध्यान दें, पहले आप परपेंडिकुलर, ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक। पहले एक पॉइंट आप नोट कर लें, ये एक्स एक्सिस है, ध्यान दें ये एक्स एक्सिस है, सॉरी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक। ये प्लेन एक्स वाई प्लेन होगा, ये लाइन जेड की है, ये एक्स है तो ये प्लेन एक्स जेड प्लेन है, ये वाई की लाइन है, ये जेड की लाइन है, तो ये प्लेन वाई जेड प्लेन है, ओके। जो एक्स वाई प्लेन होता है उस पर जेड कोऑर्डिनेट जीरो होता है, इसलिए उसको जेड इजिकल टू जीरो होगा उसके लिए इक्वेशन। जो वाई जेड प्लेन है, जैसे ये वाई है और ये जेड, ये वाई जेड प्लेन है ये वाला, ठीक। इसमें एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, इसलिए एक्स इजिकल टू जीरो इसकी इक्वेशन हो गई। अगर कोई प्लेन एक्स वाई के पैरेलल है, ये प्लेन एक्स वाई, ये एक्स वाई है हमारा, ये ब्लॉक है, ये एक्स वाई है प्लेन, ये एक्स ये वाई, इसके अगर कोई पैरेलल है तो उसका जेड कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होगा। मान लो ये डिस्टेंस ए है, तो इसको लिखो जेड इजिकल टू कांस्टेंट, यानी जेड इजिकल टू ए लिखेंगे। जैसे आप 2D में लिखते हैं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वाई इजिकल टू कांस्टेंट, वाई एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स इजिकल टू कांस्टेंट, ठीक उसी तरह से। अब जरा देखें 3D में, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, अगर कोई भी आप वेक्टर लेंगे, ये हमने ले लिया रेड पेन से, ये वेक्टर ले लिया, ये बना लिया, ठीक। देखिए ये हमारा जेड एक्सिस है, ये एक्स है और ये वाई है। अब आप इसके एक्स वाई पर परपेंडिकुलर डालें नीचे, ओके। जिस पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर गिरेगा उस पॉइंट से एक्स पर डालें परपेंडिकुलर, तो वहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा, फिर वाई पर डालें तो वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा, जेड पर सीधे परपेंडिकुलर डाल दें तो ये जेड कोऑर्डिनेट है, जैसे एक्स वाई में डालते हैं आप, है ठीक। अब एक बात पर नोट करें, अगर हम किसी 3D में, अगर हम किसी इसके टिप से एक्स पर परपेंडिकुलर डालें सीधे, तो ये उसी पॉइंट पर आएगा परपेंडिकुलर जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ओके। ऐसे ही अगर हम वाई में इससे परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये उसी पॉइंट पर स्ट्राइक करेगा जिस पॉइंट पर इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा, जितनी वैल्यू वाई कोऑर्डिनेट की होगी। जैसे मान लीजिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और हमने इससे इस पर परपेंडिकुलर डाला, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 2 होगी। जेड पर परपेंडिकुलर डालो तो ये जेड कोऑर्डिनेट होगा, ये तो क्लियर दिख रहा है, जेड पर परपेंडिकुलर डाले तो ये जेड कोऑर्डिनेट होगा, ठीक। अब दूसरी बात ध्यान दें, जो ये लाइन, जो ये वेक्टर है, एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है उसे अल्फा बोलते हैं, वाई से जो बनाता है वो बीटा, और जेड से जो ये एंगल बन रहा है इसको गामा से लिखते हैं, अल्फा बीटा ये और गामा ये, ठीक। यहाँ से ध्यान देना, थोड़ा सा 3D में आपको समझ, जेड से समझ में आ जाएगा, इससे परपेंडिकुलर डालें, ये गामा है, ओके, ये कोऑर्डिनेट जेड है इसका और ये वेक्टर आर है, तो जब कॉस अल्फा लगाएंगे तो बेस अपान हाइपोटेनस होगा, बेस ये हाइपोटेनस ये, यानी कि कॉस अल्फा इज इक्वल टू जेड अपान आर होगा, तो जेड क्या होगा, अल्फा नहीं यहाँ गामा होगा, ठीक। अल्फा एक्स एक्सिस के साथ, इस पर बीटा, जेड के साथ गामा, तो कॉस गामा इज इक्वल टू होगा जेड अपान आर, ठीक। तो जेड इज इक्वल टू क्या हो गया, आर कॉस गामा। इसी तरह से हम कॉस अल्फा लगाएंगे तो एक्स अपान आर होगा, तो एक्स क्या हो जाएगा, आर कॉस अल्फा, आपको मैथ में भी यूज होगा, और बीटा लगा दें कॉस बीटा, ठीक, तो क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू जेड कॉस आर कॉस बीटा। अब जरा यहां पर देख लें, ये एक्स एक्सिस है, ये कोई वेक्टर आर, ये 3D का है, प्लेन में नहीं है, ये बना हुआ है यहाँ प्लेन पर, लेकिन ये प्लेन में नहीं है, इस बात का ध्यान रहे। ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बना रहा है, ये कोऑर्डिनेट एक्स होगा, तो यहाँ पर कॉस अल्फा हो गया एक्स वाई आर, तो एक्स इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा बना, ठीक। इसी तरह से अगर कोई वेक्टर आर वाई कोऑर्डिनेट के साथ बीटा एंगल बना रहा है, ये प्लेन में नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखना, तो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा आर कॉस बीटा, और इसी तरह से जेड कोऑर्डिनेट होगा आर कॉस गामा, ठीक। ये 3D में कोऑर्डिनेट बनेंगे, और कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा डायरेक्शन कोसाइन कहलाते हैं,
ठीक है ना, डायरेक्शन कोसाइन, कॉस है ना इसलिए डायरेक्शन कोसाइन। ये हमने 3D में ब्लॉक बनाने की कोशिश की है कि ये आपका क्यूब है और इसमें ये आर वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये वाई है और ये वाला एक्सिस जेड है। तो एक्स के साथ एंगल अल्फा है, वाई के साथ बीटा है और जेड के साथ गामा है। ठीक, तो एक्स आपने एक्स वाई जेड निकाल लिया। ठीक, अब जो वेक्टर लिखा जाता है वो एक्स के साथ आई लगाएंगे, वाई के साथ जे लगाएंगे और जेड के साथ के होगा। ओके, तो आप एक्स वाई जेड की यहाँ से वैल्यू पुट अप कर सकते हैं, एक्स की जगह आर कॉस अल्फा, इसकी जगह आर कॉस बीटा और इसकी जगह आर कॉस गामा। ठीक, जब इसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना होगा तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला रूट एक्स स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर जैसे 2D में है वैसे 3D में बनेगा। ओके, अब यहाँ से कॉस अल्फा निकालें, कॉस अल्फा क्या होगा, एक्स अपान आर, कॉस बीटा क्या होगा, वाई अपान आर, कॉस गामा जेड अपान आर। तो इसका हम यहाँ पर करने जा रहे हैं कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान आर स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान आर स्क्वायर जेड स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, आर स्क्वायर एलसीएम ले लो तो ये बना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। और यहाँ से देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आर स्क्वायर के इक्वल होगा, तो आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर ये वन हो गया। इसका मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा वन होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू वन होगा। ठीक, और अगर इसको साइन में चेंज कर दें तो कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह क्या लिखेंगे, वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पर वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा, यहाँ पर वन माइनस साइन स्क्वायर गामा। तो फिर ये बन जाएगा, आप रख के देख लेना, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू टू आ जाएगा, दोनों ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखें। ठीक, और कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपको आता है और उसमें ये एंगल पूछे जाए एक्स वाई जेड तो समझ लेना डायरेक्शन कोसाइन लगाना है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा इनको डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। ठीक है, तो 3D में फिर एक बार हम बता दे रहे हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और 3D में ये वेक्टर है, ये हमने यहाँ पर बना लिया, इसका ये ऑरिजिन पर होगा। ठीक है ना, तो ये वेक्टर है 3D में, इसका यहाँ डालो परपेंडिकुलर, ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा और ये एंगल अल्फा होगा, कॉस अल्फा लगा दो बेस एक्स अपान हाइपोटेनस। ऐसे ही ये वाई के साथ जो एंगल बनाएगा वो बीटा, इससे परपेंडिकुलर डालो वाई पर, ऐसे वाई पर, तो ये कोऑर्डिनेट वाई होगा, ये बीटा होगा, कॉस बीटा लगा दो बेस अपान हाइपोटेनस, वैसे आप यहाँ डालें परपेंडिकुलर तो ये गामा एंगल है। ठीक, तीनों कोऑर्डिनेट आप समझ गए होंगे और मैथ में आप करेंगे। इसके आगे ये 3D की जो प्रॉब्लम है वो मैथमेटिक्स में आप करेंगे, फिजिक्स में इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, अब आप यहाँ पर एक पॉइंट और चेक कर लें, यूनिट वेक्टर निकालना। जैसे मान लीजिए आपको कोई वेक्टर दिया है 2i प्लस 3j माइनस 4k, इसमें x y पॉजिटिव है और z जो है वो निगेटिव है। ठीक है ना, ये वैसे फिफ्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा जाके फर्स्ट के नीचे, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें। मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 और इसका 16। ठीक है, तो ये रूट 29 बन गया आपका, 25 और ये। ठीक, अब अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो वेक्टर लिखकर उसमें मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दें। ये वेक्टर है 2i प्लस 3j माइनस 4k, इसमें इसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दें तो ये यूनिट वेक्टर बन जाएगा। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो बन आएगा, ठीक है ना, इसका यूनिट, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, रूट 29, और रूट 29 से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कुल मिला के इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा। तो यूनिट वेक्टर जब भी निकालना हो तो वेक्टर में ये जरूरी नहीं तीनों दिए हों, आई और जे दिया हो, के नहीं है तो के को छोड़ दीजिए, आप इसका स्क्वायर कीजिए, यहाँ पर जे का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कीजिए और फिर इसका यूनिट वेक्टर निकाल लें। यानी यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपको वेक्टर लिख उसका मैग्नीट्यूड निकालें और फिर उसको है वो डिवाइड कर दें वेक्टर से मैग्नीट्यूड को, यानी आर वेक्टर, ये कैप लगा देते हैं तो यूनिट वेक्टर बन गया, ये एरो लगा देते हैं तो ये कंप्लीट वेक्टर होता, ये इसका मैग्नीट्यूड है। ओके, अब एक केवल क्वेश्चन और यहाँ पर चेक करें आप, फाइंड ए वेक्टर लिख लेना, कई क्वेश्चन दिए हुए हैं आपकी बुक में ऐसे, फाइंड ए वेक्टर
हुज मैग्नीट्यूड इज 10 यूनिट एंड पैरेलल टू वेक्टर, यही ले रहे हैं, 2i प्लस 3j माइनस 4k। ये क्वेश्चन है कि एक वेक्टर आप बताएं कि जिसका मैग्नीट्यूड तो 10 यूनिट है लेकिन वो पैरेलल है वेक्टर इसके, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड तो दिया है 10 यूनिट, जिसके वो बोले कि पैरेलल है उसका यूनिट वेक्टर निकाल लो, ठीक है ना। जैसे मान लो इधर देखें आप, इसमें सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, और एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर आपको मालूम किससे शो करते हैं, आई लगाकर, ओके। और कोई आपसे ये कहे कि क्वेश्चन दे कि आप ऐसा वेक्टर बताओ कि जिसका मैग्नीट्यूड 10 है और जो एक्स एक्सिस को है, तो आप क्या वेक्टर में लिखेंगे, 10i। तो आपने 10 में क्या किया, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दिया है। आपको वाई में पूछेंगे तो जे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे ही क्वेश्चन है कि एक ऐसा वेक्टर आप बताएं जिसका मैग्नीट्यूड तो 10 यूनिट है लेकिन इसके पैरेलल है। पैरेलल का मतलब इसका यूनिट वेक्टर लेना है, मतलब इसका डायरेक्शन लेना है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर कहा जाए ये एक्स एक्सिस है, कि एक ऐसा वेक्टर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड 10 है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तब भी 10i होगा। तो आपने 10 में i को मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि वो एक्स के पैरेलल है। बिल्कुल इसी तरह पैरेलल जिसके बोले उसका यूनिट वेक्टर निकाल। अब हम इसका यूनिट वेक्टर निकाल चुके हैं ऑलरेडी, इसीलिए हमने यही ले लिया एग्जाम्पल, 2i प्लस 3j माइनस 4k, इसका यूनिट वेक्टर ये है। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पर वो क्या करेंगे, इसका यूनिट वेक्टर निकालें और उसमें 10 मल्टीप्लाई कर दें, यानी 10 इंटू 2i प्लस 3j माइनस 4k डिवाइडेड बाई √29, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। ऐसे क्वेश्चन आपकी बुक्स में दिए गए हैं जिनमें आपको दिया गया है कि तरह तरह से बना रखे हैं कि वेक्टर बताएं कि इसका मैग्नीट्यूड ये है और इसके पैरेलल है। एंटी पैरेलल में नेगेटिव लग जाएगा अगर एंटी पैरेलल वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर कभी भी दो वेक्टर में अगर कोई दो आपको वेक्टर दिए जाएं, जैसे मान लो R1 है, ये ध्यान रखना न्यूमेरिकल करते समय काम आएगा, 3j है, 4k है, और दूसरा वेक्टर R2 है, i माइनस j प्लस k, और पूछा जाए कि R1 और R2 का रिजल्टेंट बताएं, तो रिजल्टेंट का मतलब है कि वेक्टर सम कर दीजिए। वैसे आगे उसमें ये हैं पैरेललोग्राम, लेकिन ये वेक्टर फॉर्म में अगर दिए हों तो इनको ऐसे ही इनको सम कर दें। तो i को i के साथ सम करें तो 2 + 1 3i, 3i में से माइनस j ये माइनस हो गए तो प्लस 2j, 4k और k मिलकर प्लस 5k बन गया, ये बन गया वेक्टर। ये क्या होगा, ये रिजल्टेंट होगा R1 R2 को। तो इस तरह के भी क्वेश्चन बुक्स में दिए गए हैं कि आप एक वेक्टर बताएं जिसका मैग्नीट्यूड 10 है और पैरेलल है टू द रिजल्टेंट ऑफ R1 एंड R2। ध्यान दें, एक ऐसा वेक्टर बताएं जिसका मैग्नीट्यूड 10 है और रिजल्टेंट पैरेलल है टू द रिजल्टेंट ऑफ R1 R2। तो रिजल्टेंट क्या करें, दोनों को पहले प्लस करें फिर इसका यूनिट वेक्टर निकाल लें। यूनिट वेक्टर समझ गए होंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालें, मैग्नीट्यूड में 3 का स्क्वायर रूट लगा के 3 स्क्वायर, ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये वाई कोऑर्डिनेट होता है और जेड कोऑर्डिनेट होता है। जो स्टूडेंट मैथ करेंगे आगे 12th में, वहाँ पर 3D में कोऑर्डिनेट और वेक्टर दोनों से उनको सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका यूनिट वेक्टर निकालें और फिर उसमें 10 मल्टीप्लाई कर दें। तो क्वेश्चन आप एक्सरसाइज के लगाएं, लगेंगे क्वेश्चन वो, ओके। नेक्स्ट फिर हम अगले उसमें करेंगे।